अगर आपने ये सीन देखा होगा तो कुछ ट्रक लाल लकड़ी लेकर इस जंगल से निकल रहे हैं, मगर ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये जंगल से निकल रही एक नहर है, जिसका फायदा उठाकर पुष्पा अपना इलीगल सामान स्मगलिंग कर रहा है, क्योंकि अगले ही सीन में पुष्पा का हाथ एक नक्शे पर दिखाई देता है। वो किस तरह से अपने सामान को निकाल कर जापान ले जाना चाह रहा है। अगले सीन में देखने को मिलता है पुष्पा को जापान से बहुत सारी फंडिंग भी आती है, जिसको वो संभाल नहीं पाता और उनको सोफों में छिपवा रहा होता है। अब बहुत सारा पैसा तो पुष्पा के पास आ गया था, मगर मुश्किल ये है कि जापान माल कैसे जाएगा। जब माल जापान आता है तो कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिससे पुष्पा ने जापान जाकर लाल लकड़ी की डील की थी। या तो वो धोखा दे देता है या उसका कोई दुश्मन पुष्पा पर हमला करवा देता है। जब पुष्पा इंडिया से अपनी सारी लाल लकड़ी लेकर जापान पहुंचा, तो उस पर जापानियों ने हमला कर दिया और उसके पास से लाल लकड़ी छीनने की कोशिश करते हैं। पुष्पा ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि उनसे अपना माल बचाकर इंडिया वापस ले जाए, मगर जापान में आकर जापानियों के सामने पुष्पा टिक नहीं पाता और उसको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। उसकी अब तक की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। जो उसने जापानी सेठ से वादा किया था वो वादा भी पानी में मिल जाता है। जापानी लोग पुष्पा का माल छीन कर उसको पानी में मरने के लिए फेंक देते हैं, मगर फिर पुष्पा की वापसी होती है और वो इन सभी जापानियों को इंडिया के घी की ताकत दिखाता है। वो एक एक करके सभी जापानियों को खत्म कर देता है, क्योंकि उसका एक उसूल है, जो उसका है वो सिर्फ और सिर्फ उसका है, जिसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो जापानियों को अपनी ताकत दिखाकर सारा माल वापस अपने कब्जे में ले लेता है, फिर सारा माल जापानियों से छीन कर वापस इंडिया की तरफ निकल जाता है। जब इंडिया में फहाद उसको इतना सारा लाल लकड़ी लाता देखता है तो घबरा जाता है कि पुष्पा ने ये कैसे किया। फिर फहाद उसके पीछे पड़ जाता है। फहाद पुष्पा के अड्डे पर रेड मारता है और उसके सभी साथियों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। वो सारा माल अपने कब्जे में ले लेता है और उसके साथियों को भी बहुत दर्द देता है। फहाद का मकसद सिर्फ पुष्पा को पूरी तरीके से बर्बाद करना था, क्योंकि पहले पार्ट में पुष्पा ने उसको बर्बाद कर दिया था। फहाद ने पुष्पा के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, उसके सारे ट्रक पर हमला बोल दिया और जब्त कर लिए थे। जहां से पुष्पा का माल जाता वो सारे माल पर कब्जा कर लेता और उसको अपने कब्जे में ले लेता। फहाद ने पुष्पा का इतना नुकसान कर दिया था जितना जापानियों ने नहीं किया था। फहाद अपनी बेइज्जती का बदला इतना ज्यादा ले चुका था कि पुष्पा उससे परेशान हो चुका था। पुष्पा की लाल लकड़ी जहां से गुजर रही होती उसको सुनकर फहाद वहां पहुंच जाता और उस लकड़ी को अपने कब्जे में ले लेता। एक तरफ पुष्पा जंगल से लाल लकड़ी काटे जा रहा था और दूसरी तरफ फहाद उसकी सारी लकड़ी को हर बार कब्जे में लिए जा रहा था। फिर पुष्पा जो नहीं करना चाहता था उसको वही करना पड़ा। पैसा लेकर वो फहाद के पास गया और उसके आगे पुष्पा को झुकना पड़ा। माल वापस मिलने की खुशी में पुष्पा ने बहुत बड़ा जश्न रखा और उसके सभी साथियों ने जमकर मजे उड़ाए। अब की बार पुष्पा के पास इतना ज्यादा माल था जितना पहले कभी किसी के पास नहीं था। उसने इस माल की डील करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया, जिन लोगों के आते ही शहर में आतंक मच गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पुष्पा अब एक नाम नहीं था, वो ब्रांड बन चुका था और ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलना उसका रोज का काम हो गया था। मगर अब की बार वो जिससे मिल रहा था वो उससे 10 गुना बड़ा था और 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। मगर पुष्पा का एक उसूल है, फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। चाहे कुछ भी हो जाए पुष्पा नहीं झुकेगा साला। मगर फिर उसको अपनों से धोखे मिलना शुरू हो गए। जो कभी उसके करीबी साथी हुआ करते थे अब वही पैसा आने के बाद उसके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। अब सभी की नजर पुष्पा पर थी कि किस तरह पुष्पा को मिटा दिया जाए और उसका नाम और निशान खत्म कर दिया जाए।
जिसके बाद पुष्पा खत्म और हम लोग उसके नाम पर और उसके पैसे पर ऐश करें। मगर इन धोखों से और पीछे से वार करने से पुष्पा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो चाहे कितना भी टूट जाए मगर जब लौट कर आता तो वापस सब कुछ अपना बना लेता था, क्योंकि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक शेर होता है, चोट लगने से गीदड़ नहीं बन जाता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं साला। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।